मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। चुनावी साल में नेताओं के बयानों की सियासत तेज हो रही है। बता दें कि कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेल ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तिलक, तराजू और तलवार पर ये क्या कह रहे हैं। बबेल द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में नरोत्तम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे गरीबों हरिजनों को 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा। जो जमीन पर सरकारी है वो जमीन हमारी है। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री की लड़ाई के बीच सूडान की राजधानी खार्तूम में करीब 1500 भारतीय भी फंस गए हैं। इनमें भोपाल के 23 साल का युवा कारोबारी जयंत केवलानी भी शामिल है। जयंत ने बताया कि सूडान में यूक्रेन रूस वॉर से भी बुरे हालात है। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं है, अंधेरे में ही रह रहे हैं, पानी और राशन भी खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के भत्ते दोगुने होने जा रहे हैं। इस मामले में सरकार द्वारा इसी साल 25 जनवरी को गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक समिति ने रिपोर्ट में भत्तों को दोगुना करने की सिफारिश की है। वहीं यदि सिफारिश मान ली जाती है तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला TA यानी यात्रा भत्ता 48 रुपये से बढ़कर 96 रुपये हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं। पिछले 1 सप्ताह में भोपाल में 3 प्रदर्शन हो चुके हैं, जबकि गुरुवार को फिर से कर्मचारियों ने यह मांग उठाई। भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे गए। वहीं 29 अप्रैल को भोपाल में बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। भोपाल मेट्रो का सितंबर 23 यानी 5 महीने के बाद ट्रायल रन होगा। इसके चलते बाकी बचे कामों में तेजी लाई जा रही है। CM शिवराज सिंह चौहान काम की लगातार समीक्षा कर रहे हैं, तो अफसर भी अब मैदान में उतर गए हैं। वहीं मेट्रो कॉरपोरेशन के MD मनीष सिंह लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी मेट्रो का काम देखने निकले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।